जाट समाज ने आज धूमधाम से मनाया राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस और किसान नेता सर छोटू राम की पुण्यतिथि। 1857 की क्रांति की अलख जगाने वाले राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने धोखे से दिल्ली बुलाकर 9 जनवरी 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। उनके इस बलिदान दिवस को देश विशेषकर जाट समाज कभी नहीं भुला सकता। आज राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस और किसान नेता सर छोटू राम की पुण्यतिथि रेवाड़ी में जाट समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें दूर दराज से आए जाट नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज द्वारा रेवाड़ी में राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस और सर छोटू राम जी जो किसान नेता थे उनकी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे जाट समाज में राजा नाहर सिंह एक बहुत ही वीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और जब उनके साथ धोखा करके बादशाह जफर को उन्होंने कैद करके अंग्रेज़ों ने और धोखे से राजा नाहर सिंह को वहाँ दिल्ली बुलाया और राजा नाहर सिंह को भी अंग्रेज़ों ने धोखे से कैद कर लिया और कैद करने के बाद उन्होंने उनको चांदनी चौक पर सन आज के दिन 9 जनवरी 1958 को 1858 को फांसी दी गई। ये बहुत ही दुखद घटना थी, जिन्होंने जाटों ने देश की आज़ादी के लिए 1857 में जो क्रांति का शुभारंभ राजा नाहर सिंह ने किया वो एक देश की आज़ादी का नीम का पत्थर था और वहाँ से देश की आज़ादी की शुरुआत हुई और 1947 में देश आज़ाद हुआ। और हमारे इसी दिन सर छोटू राम जी जो हमारे जाटों के ही नहीं 36 बरादरी के किसान नेता थे, जिन्होंने समाज में बहुत से सुधार किए, बहुत सी बुराइयों को ख़त्म किया, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी जाट समाज की तरफ से नमन किया जा रहा है। और जाट समाज हमेशा ही दीन दुखी और सभी समाज के लिए 36 बरादरी के सहयोग में हमेशा रहा है और जाट समाज हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा और जाट समाज सभी 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाला समाज है और जिन्होंने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और आज उसी उपलक्ष में राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद। संदेश देना चाहेंगे? आज हम ये संदेश देना चाहेंगे जो हमारे बुजुर्ग जो हिंदुस्तान देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गए थे आज़ादी के लिए, हमारी रगों में उन्हीं का खून है, हम जिएंगे और इतना औलाद भी, हमारी जाट समाज जो है देश के हित के लिए कभी पीछे नहीं हटेगी। अपने 36 बरादरी बसती हैं देश में, 36 बरादरी के लिए फांसी टूट गए हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हंसते हंसते फांसी, भाई साहब ने बताया चांदनी चौक में वो जगह मैंने देखी है, गुरुद्वारा शीशगंज के सामने है, वहाँ नीम के पेड़ में जो अंग्रेजों ने बताते हैं फांसी तोड़ी थी वहाँ फुहारा लगा हुआ है। बात रही तो सैनी साहब थे, सैनी साहब से कहा चौधरी साहब ने के नाहर सिंह जी ने के आप जाइयो मैंने फांसी तोड़ेंगे अंग्रेज,
अंग्रेजों ने कहा क्षमा मांग ले, मारे बुजुर्ग ने बोला क्षमा मांगन का कायर का काम होता, हम छतरी के बीज हैं, हम फांसी टूटेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। ए बिलाईसियाँ ख्याल हो, तुम हमें डराना चाहते हो। वे सैनी साहब भी बैठते थे, नाहर सिंह जी का दौरा, नोला भाई तुम तो जाओ, नोला रहे नहीं चौधरी, तेरे दौरा फले फूले सा हम तेरी साथ फांसी टूटांगे। आज राजकुमार सैनी और वो क्या नाम है दूसरा रोशन लाल आर्य, वो जाटों के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने अपना खेद महसूस करना चाहिए। जाटों ने देश के लिए कोई कार्य काम नहीं कराया, बहादुर के काम करे सर करते रहेंगे। हिंदुस्तान का जाट हिंदुस्तान के 36 बरादरी के लिए अट जाएगा, अपनी जान की बलिदान कर देगा। मैं मलखान सिंह जाट महासभा अध्यक्ष रेवाड़ी, और आज हमारा पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है दीन बंधु सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए। और जो हमारे जो बहुत ही सूरवीर हमारे जो महाराजा थे राजा नाहर सिंह जी, उनका जो बलिदान दिवस है, जैसे हमारे साल मनाते हैं, इस साल भी पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा होकर के उनकी बलिदान की पुण्यतिथि सभी मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। हम हर साल इन जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने 36 बरादरी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको हम हर साल उनको नमन करते हैं और उनकी पुण्यतिथि के रूप में बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।